सामान्य निर्वाचन 2019 को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार सभी मजिस्ट्रेट को कलेक्ट्रेट सभागार में ईवीएम के साथ वीवीपैट के प्रयोग की जानकारी दी गई, जिसकी अध्यक्षता एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने किया। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में बूथों की स्थित मतदेय केंद्र पर शुद्ध पेयजल, शौचालय, बिजली, सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं को भी समीक्षा की गई। बैठक में जनपद में बनाए गए मतदेय केंद्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए वहां व्याप्त कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए। निकालिए, पहले एक सावधानी बरतना है आपको, निकालते समय ये देख लीजिए कि कैसे इसकी लेइंग की गई है इसके अंदर, क्योंकि शाम को आपको मतदान खत्म होने के बाद इसमें रखवाना भी होता है। लंबी केबल होती है जिसका एक सिरा इस बीयू से बिल्कुल फिक्स होता है। हर यूनिट के पीछे आप जाइए, एक स्टैंड ये दिया हुआ, देखिए इसको ऐसे फैला देंगे तो मतदाता मान लीजिए आएगा, उसके सामने ये ऐसे पड़ी होनी चाहिए, ताब होते हैं उनके टेबल पर ऐसे पड़ी है। निर्वाचन आयोग ने 64 कैंडिडेट्स की जगह 384 तक आपसे आप निर्वाचन करा सकते हैं, अर्थात इस सीयू के साथ आप 24 बीयू जोड़ सकते हैं और साइड से ऐसे, और इसको ऐसे आप ओपन कर लेंगे आसानी से। उसके बाद इस बेबी पैड को इसके अंदर से निकालिए, इसमें भी देखें एक केबल है 5 मीटर लॉन्ग जो इसकी बॉडी से एक सिरा इसका बिल्कुल फिक्स है और एक सिरा वैसे जैसे बीयू केबल का एक सिरा फ्री था वैसे ये भी फ्री है। काफी सरल कर दिया गया है, BU1 की केबल वीवीपैट में जाएगी और वीवीपैट की जो केबल है वो निकल के सीयू में चली जाएगी। इस प्रकार इसका कनेक्शन बहुत ही इजी है। इन सबके सामने इस मशीन द्वारा सारी मतदान की प्रक्रिया इस मशीन से कैसे कराते हैं बिल्कुल पारदर्शिता और स्पष्टता के साथ आपको वहां दिखाना है, इन द्वारा किया जाना है। लिहाजा वो मॉक पोलिंग के दौरान क्या क्या जानना चाहेगा आपसे कि ये मशीन सही तरीके से इसमें वोट पड़ता है और वोट पूरा पड़ जाने के बाद जब कोई और मत नहीं पड़ सकता था सही सही क्लोज होती है और फिर रिजल्ट बटन दबा करके आपको उसका रिजल्ट दिखाना होता है कि देखो जितना आपने मतदान जिन जिन के पक्ष में कुछ कर देगी। उसके बाद आप फिर इसको क्लियर कर लेंगे और क्लियर करने के बाद ये मशीन क्लियर मोड में आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिकली वोट भी रिकॉर्ड हो रहा है। मैनुअल वोटिंग इस वीवीपैट के जरिए स्लिप दिखता है, कट के गिरता है, वो मैनुअल वोटिंग जैसा वो आप इस मशीन द्वारा भी दिखाएंगे और इससे दिखाने के बाद आप ये वीवीपैट का ये साइड में खोलिए और इसमें से सारे स्लिप्स निकाल लीजिए, उनकी नॉट टू बी काउंटेड को अलग कर लीजिए और जो काउंटिंग वाले स्लिप्स हैं उनकी गड्ढी बनाएंगे आप 85 बार और फिर उनके पक्ष में उनको गिन करके वहाँ दिखाना है कि देखो 7 नंबर को एक पड़ा था तो 7 नंबर के पक्ष वाली एक पर्ची है, 12 को एक डाला गया था तो उसके पक्ष की ये है, 1 को डाला गया था तो उसके पक्ष की भी है, तो इस प्रकार और वो रिकॉर्ड भी करना है उसके नेक्स्ट वाले कॉलम में पर्ची कितनी गिनी गई नंबर के किस मतदाता किस अभ्यर्थी के नाम से और किस चुनाव चिन्ह का मत किया है। 7 सेकंड के लिए दिखाई देने के बाद वो पर्ची कट के फिर नीचे बॉक्स में गिर जाएगी। अगला मतदाता ये नहीं जान पाएगा कि हमारे पिछले मतदाता ने किस अभ्यर्थी का वोट डाला दिया। गोपनीयता भंग नहीं हुई और जो मतदान कर रहा है वो संतुष्ट हो गया कि हमने जो बटन दबाया था वही पर्ची हमको चपके मिली है। उसी पर्ची के आधार पर वीवीपैट प्रिंटर वो सूचना कंट्रोल यूनिट को दे देगा कि ये वोट दर्ज कर ले। सिंपल प्रिंटर है ये मॉक पोल का, जो 50 से कम 50 वोट डल ले सभी जानकारी कर ले, एक एक कैंडिडेट के 2-2, 3-3 वोट भी डाल सकते हैं और उसको डिलीट करना आवश्यक है, वरना ये 50 वोट जो है वो उन कैंडिडेट्स के बारे में एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे और जब मतदाता सूची में हमारा प्रथम पोलिंग अफसर जब ये टिक करता है कि 40 वोट पड़ गए या 35 वोट पड़ गए तो उस समय वो 83 और 88 वोट बताएगी मशीन, क्योंकि वो 50 वोट जो आपने पहले से डाल रखे हैं वो बेवजह जुड़ जाएंगे। इसलिए इस मशीन को CRC कहलाता है, सभी लोग नोट कर ले, क्लोज बटन दबा के, रिजल्ट बटन दबा के फिर क्लियर बटन दबा दिया जाता है ताकि मशीन जो है बिल्कुल ब्लैंक
हो जाए और उसमें नए वोट जो डालेंगे इलेक्शन के समय में वो दर्ज हो। तो ये प्रोसेस CRC कहलाता है, सभी नोट कर ले, आपकी जानकारी में रहेगा। क्लोज बटन दबाना है, उसके बाद रिजल्ट बटन दबाना है, इसके बाद क्लियर कर देना है। लेके 5 बजे और 5:30-6 तक आपकी मुख्य ड्यूटी है कि आपके बूथ पर जाकर आप कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और ये VVPAT का सही कनेक्शन करवा दें, जिससे पीठासीन अधिकारी जो मास्टर रहते हैं ज्यादातर, वो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते एक तरीके से समझते हैं, उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं, तो वो ट्रेनिंग को प्रॉपरली लेते नहीं है। वो ये समझते हैं हमने इतने चुनाव करा दिए, अब ये कौन सा खास चुनाव आ गया, ये भी ऐसे ही निकल जाएगा। तो अब इतनी सख्त नियम हो गए हैं कि कहीं किसी लेवल पे त्रुटि होगी तो वो बहुत दंडनीय अपराध के रूप में ट्रीट की जाएगी। अवेयरनेस को ज्यादा से ज्यादा आप देख रहे होंगे, पिछले चुनाव से ज्यादा हर अगला चुनाव से कठिन होता जा रहा है। तो आपको बस अपना ये करना है कि कंट्रोल यूनिट में आपका जो VVPAT है वो जुड़ जाए और VVPAT में बैलेट यूनिट जुड़ जाए, यानी कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के बीच में आपको प्रिंटर VVPAT लगा देना होता है। वहाँ भी उस डेट में स्टेटस 00 किसका दिखाना है, निर्वाचक नामावली से उस दिन कोई मत नहीं पड़ा, वहाँ सब अभिकर्ताओं को दिखा दीजिए, कोई जो पहले से ETPBS, EDC, CBS वगैरह जारी किया गया उसके अलावा इसमें और कोई चिन्ह नहीं बना है। दूसरा जो मतदाता का रजिस्टर है उसको खोल करके दिखा दीजिए, देखो इसमें पहले से कोई एंट्री नहीं है। तो स्टेटस उन रजिस्टर में भी दिखाना है, निर्वाचक नामावली में भी दिखाना है, इसमें भी 0 दिखाना है और इसमें भी 0 दिखाना है। 0 से ही सब स्टार्ट होता है। ये मशीन आपके 0 स्टेटस में है, क्लियर स्टेट में अर्थात बैलेट स्टेट में है। बैलेट स्टेट में जब मशीन आ जाती है तो सीलिंग की कार्रवाई करते हैं। कंप्यूटर पीठासीन अधिकारी को तो आप ही को दूर करना है। मार्क पोलिंग के दौरान यदि कोई यूनिट खराब होती है तो सिर्फ वही यूनिट बदली जाएगी जो खराब हुई।